श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव राधे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः हर हर महादेव घर घर महादेव। आ गए हैं सावन के महीने में श्री त्याग श्री शिव महापुराण कथा भाग एक का सार लेकर के, जो कि गुरुजी ने आज हम सभी के साथ में अपनी पूजनीय वाणी के साथ में हम सभी को बताया था। तो चलिए आज की वीडियो श्री त्याग श्री शिव महापुराण कथा भाग एक को शुरू करते हैं और आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत बहुत पसंद आएगी। अगर वीडियो थोड़ी बहुत पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब के बगल से जो बेल आइकन है उसे प्रेस ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक बार हर हर महादेव। आप सभी सावन के महीने में, इस पवित्र पावन सावन के महीने में आप सभी जो वीडियो मेरी सुनने वाले हैं, एक बार हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। बाबा आप सभी का भला करें। और इसी के साथ में वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की कथा जो कि श्री त्याग श्री शिव महापुराण कथा है, उसमें गुरुजी ने वर्णन किया। सबसे पहले कथा आती है देवराज नामक ब्राह्मण की। देवराज नामक ब्राह्मण जो कि गलत कृत्य करता था, हमेशा भगवान की पूजन आराधना नहीं करते थे, वो सारे गलत कामों में लगे रहते थे, कभी मंदिर नहीं गए, कभी शिवालय नहीं गए, कभी बाबा के दर्शन करने नहीं गए, कभी उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे उनको कुछ मुक्ति मिले। लेकिन अंत समय में वह जब बाबा शिवालय से चोरी करने के लिए गए थे तो वहाँ पर उनके शरीर में ताप बढ़ रहा था। ताप बढ़ने के कारण वह मंदिर में कुछ क्षण बैठ गए थे। वहाँ पर शिव महापुराण की कथा हो रही थी तो उनके कानों में दो क्षण की जो शिव महापुराण की कथा थी वह गई। और जो गुरुजी, जो व्यासपीठ पर विराजमान गुरु थे, वह बार बार पर हर हर महादेव का गुंजार कर रहे थे तो यह सब उनको पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि शरीर में तप हो रहा था। तो इसी के चलते वह बाहर चले गए और एक वृक्ष की छाया के नीचे जा कर के बैठ गए। कथा सुन ली थी थोड़ी सी और वृक्ष के नीचे जाके बैठे थे। वह वृक्ष भी कोई आसान छोटा मोटा वृक्ष नहीं था, वह बेलपत्रे का पेड़ का वृक्ष था। बेलपत्री गुरुजी बताते हैं कि जिस भी इंसान को, जब मुर्दे को शमशान घाट में लेके जाया जाता है तब उसको एक जगह रोका जाता है, तो वह इसीलिए रोका जाता है कि कहीं बेलपत्र का पेड़ होता था पहले तो उसकी छाया अगर उसके मृत शरीर पर पड़ जाती है तो वह आत्मा का कल्याण हो जाता है, वह मेरे बाबा भोलेनाथ के लोक में पहुँच जाता है, इसलिए उसको एक क्षण के लिए रोका जाता है। तो वो वहाँ रुके थे और उनके प्राण छूट गए। इसी के चलते वहाँ पर यम के दूत आए थे। पहले यम के दूतों को देख करके देवराज को पता लगा कि मेरा अंतिम समय हो गया है, अब मुझे जाना होगा। तो इतने में वहाँ बाबा भोलेनाथ के गण आ गए थे। नंदी के साथ में बाबा भोलेनाथ आए थे। तो जब वह देवराज को लेकर के जा रहे थे, देवराज के मन में यह प्रसंग आया कि मैं कभी मंदिर नहीं गया, कभी शिवालय नहीं गया, मैंने कभी कोई पूजन नहीं किया, फिर मुझे बाबा आपका लोक कैसे मिल रहा है, यह उन्होंने बाबा भोलेनाथ से पूछा। तब बाबा भोलेनाथ ने बताया कि तुम्हारी माँ हम प्रतिदिन मुझ पर एक लोटा जल चढ़ाती है और अंतिम समय में जब तुम्हारे प्राण छूटने के हुए थे तब तुमने मेरी कथा कुछ क्षण की अपने कानों में श्रवण की थी और बेलपत्र के पेड़ के नीचे तुमने अपने प्राण त्यागे थे, इसीलिए तुमको मेरा लोक मिल रहा है। तो ऐसा प्रसंग आया था। उसमें आगे वर्णन आया कि बाबा भोलेनाथ का एक अवतार बाबा भोलेनाथ ने दुर्वासा का एक अवतार लिया था, दुर्वासा ऋषि का, जो बाबा भोलेनाथ का ही एक रूप थे। वह बाबा भोलेनाथ मतलब दुर्वासा ऋषि कन्हैया की नगरी में पहुंच गए। कन्हैया की नगरी में पहुँचे और पहुँच करके उन्होंने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि
मुझे कोई अपने घर में जगह दो, मैं रहना चाहता हूँ, मैं अतिथि हूँ, तो मुझे कोई अपने यहाँ राखिए। कोई भी जो थे कन्हैया की नगरी के, तो वह उनको नहीं रखना चाहते थे। क्यों? क्योंकि दुर्वासा ऋषि को थोड़ी बातों पर क्रोध आ जाता था और वह श्राप देते थे। इस डर से कोई उनको अपने घर में नहीं रखना चाहता था। यह संवाद कन्हैया के कानों में गया, उन्होंने श्रवण किया। तब कन्हैया ने दुर्वासा ऋषि से बोला कि चलिए आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपने कच्छ अपने स्थान आपके स्थान पर ले चलता हूँ। तब दुर्वासा ऋषि ने बोला कि आप मुझे अपने साथ ले जाएंगे? तब कन्हैया ने कहा हाँ। तब दुर्वासा ऋषि ने कहा कि तुमको पता है ना कि मुझे थोड़ी देर में क्रोध आता है, तो कोई गलती तो नहीं करोगे? कन्हैया ने बोला हाँ, मुझे ज्ञात है कि आपको क्रोध आता है, मेरी तरफ से कोई गलती नहीं होगी। तो यह संवाद आगे चला। उससे पहले एक सीख जो गुरुजी हमें हर कथा में देते ही हैं, उस सीख को ज़रूर ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में ढालने का प्रयत्न कीजिए। एक लड़की हो या एक लड़का हो, माँ बाप बच्चों को अपने को पढ़ाते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। ये वो जब माँ बाप स्वयं बनते हैं तब उनको ज्ञात होता है कि हमारे माता पिता ने हमारे लिए क्या किया था। तो जो लड़की या जो लड़का किसी के स्नेह वसा करके अपने माता पिता को धोखा दे करके चले जाते हैं, धर्म बदल लेते हैं, उनके प्यार में इतने अंधे हो जाते हैं कि उनको कुछ दिखाई नहीं देता, वह अपने मम्मा पापा को जीवन भर का दुख देने करके भाग जाते हैं, तो यह सबसे पहली चीज़ तो ये वो कभी ना सोचें कि तुम उस समय अपने माता पिता को दुख दे करके जा रहे हो तो तुम खुशी रहोगे। कभी भी ऐसा कदापि संभव नहीं होता है। और दूसरी चीज़, कोई भी लड़की हो या लड़का हो, अगर आपको वह अपने साथ लेकर के जा रहा है, अपने माता पिता को धोखा दिलवा रहा है या दिलवा रही है, तो एक चीज़ हमेशा याद रखें, यदि वह अपने माता पिता की नहीं हो रही है या कोई लड़का अपने माता पिता का नहीं हो रहा है जिन्होंने उनको जन्म दिया, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया, तो वह किसी का नहीं हो सकता है। जीवन में सब कुछ करें, बहुत बड़े आदमी बने, अच्छी पोजीशन पे पहुँचें, अगर कुछ ऐसी बातें भी जीवन है आता ही है, अगर आती हैं तो अपने माता पिता से सामने उसको रखें, अपनी बात को रखें, अगर वह आपके लिए अच्छी होगी। क्योंकि माता पिता से ज़्यादा अच्छा एक बच्चे के लिए कोई नहीं सोच सकता। अगर वह आपके लिए अच्छा होगा तो वह आपके माता पिता खुशी उसको वह करेंगे, अगर वह आपके लिए अच्छा नहीं होगा तो आप कुछ भी करना वह नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वह आपकी भलाई चाहते हैं। आगे संवाद आया, दुर्वासा ऋषि जब कृष्णा कन्हैया ने एक कुटिया बनवाई, कुटिया में दुर्वासा ऋषि को रखा और उन्होंने सभी को बोल दिया था कि 56 भोग प्रतिदिन 56 भोग बनवाए, क्योंकि पता नहीं है दुर्वासा ऋषि कब किस टाइम पर किस समय पर क्या मांग लें और उनको क्षण भर में क्रोध आ जाता है तो पता नहीं है। तो 56 भोग प्रतिदिन उन्होंने बनवाए थे। तो एक दिन दुर्वासा ऋषि मतलब लीला रच रहे थे, तो दुर्वासा ऋषि ने सोचा कि मैं इस कुटिया में ही आग लगा देता हूँ, फिर मैं कन्हैया को गुस्सा दिला दूंगा। तो उन्होंने अपनी कुटिया में आग लगा दी, सब गांव के नगर के लोग आ गए, सब ने देखा कि किसने आग लगा दी। तब दुर्वासा ऋषि पीछे से आके वासुदेव के हाथ में कंधे पर हाथ रख के बोलते आग मैंने लगाई। तब उन्होंने बोला कृष्णा ने कि अपने ही घर में कौन आग लगाता है, आप तो अतिथि हैं तो अपने घर में कौन आग लगाता है। तब दुर्वासा ऋषि ने बोला कि मेरी मर्जी, मैं अतिथि हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तब कन्हैया मन में सोचे वारे अतिथि, अपने ही घर में आग लगा रहे हैं, यह सारे काम हो रहा था। तब दुर्वासा ऋषि ने बोला कि मुझे खीर खानी है, खीर लेके आओ, भूख लगी है। तब उन्होंने रुक्मणी से खीर मंगवाई, वो खीर उन्होंने थोड़ी सी खाई और उनकी झूठी खीर को ही उन्होंने वासुदेव के
पूरे शरीर पर फेंक दिया, झूठी खीर थी पूरे शरीर पर फेंक दिया। यह देख रुक्मणी हंसने लगी, दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया। दुर्वासा ऋषि ने वासुदेव से कहा कि मुझे इसने पूरी नगरी का दर्शन नहीं करने दिया, मैं सुबह कल पूरे नगरी का दर्शन करने के लिए जाऊंगा और रथ से जाऊंगा, और उस रथ को ना ही कोई बैल हाँकेगा, ना कोई हाथी हाँकेगा, ना कोई और मनुष्य हाँकेगा, उस बैल को, उस रथ को रुक्मणी हाँकेगी। तो सुबह या तैयार हो गए थे दुर्वासा ऋषि और रुक्मणी को जो है वो रथ को हाँक रही थी। थोड़ा आगे तक चले, रुक्मणी को चक्कर आ गए थे, वह गिर गई थी। दुर्वासा ऋषि ने उनके शरीर पर पानी डाला। रुक्मणी हंसी क्यों थी, क्यों वो इसलिए हंसी थी कि कैसा अतिथि है जो जिसके घर में आया है उसी का सम्मान नहीं कर रहा है, इस कारण से रुक्मणी हंसी थी। तब उन्होंने दुर्वासा ऋषि ने रुक्मणी के ऊपर पानी डाला था, उनको होश आया। तब बाबा ने, मेरे दुर्वासा ऋषि ने कन्हैया से बोला, हे वसुदेव, जो खीर मैंने तुम पर फेंकी है उसको पूरे शरीर में मल लीजिए अच्छे से। कन्हैया ने पूरी खीर जो थी वो अपने शरीर पर मल ली। तब उन्होंने बोला दुर्वासा ऋषि ने कि तुमने पूरे शरीर पर खीर अच्छे से नहीं मली। तब कन्हैया ने कहा कि मैं आपको समझ गया हूँ, जान गया हूँ आप कौन हैं, और मैंने प्रभु सारी खीर अच्छे से मल ली है। तब दुर्वासा ऋषि ने बोला कि नहीं, तुमने अपने पैरों के तलवे छोड़ दिए हैं, आपने पैरों के तलवों पर खीर नहीं मली। तब वसुदेव ने बोला कि संत जनों के झूठी खीर मैं अपने पैरों तक कैसे लगा सकता हूँ। तब दुर्वासा ऋषि ने बोला कि जो प्रसाद मैंने आपको दिया था वह प्रसाद आपने अपने तलवों पर नहीं मिला, अब आपके जो प्राण जाएंगे वह आपके इन तलवों से ही जाएंगे। तो मेरे बाबा, मेरे नाथ, मेरे भोले बाबा, मेरे पिता जो वसुदेव के पास गए थे वो इसलिए गए थे जिससे मेरे कृष्णा की मृत्यु ना हो, उनकी सुरक्षा हो सके, सुरक्षा कवच देने के लिए गए थे। लेकिन वसुदेव मेरे नारायण ने वह खीर अपने तलवों पर नहीं मली थी, इस कारण से उनके प्राण गए थे। जरा नाम के ब्याग ने तीर चलाया था, वह पूरे शरीर में कहीं नहीं लगा, क्योंकि बाबा भोलेनाथ का सुरक्षा कवच उनके पास था लेकिन तलवों पर नहीं था, इसलिए वह तीर जाकर के तलवों में लगा था और मेरे कृष्णा मृत्यु लोक से यहाँ विराजमान हो गए थे। आगे वर्णन आया, मैया गौरी ने 16 श्रृंगार किया था और कथा सुनने के लिए गई थी चंचला देवी के कहने पर। मेरे भोलेनाथ और मेरी मैया गौरा गण और गौर बने थे, ऐसा आज की कथा में बाबा ने संवाद किया था। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। तो चलिए एक बार को बाबा का ध्यान करते हैं। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, श्री शिवाय नमः।